तालुका बॉयज़, तो क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल हो रहा है क्योंकि रेहान भाई आए हैं कराची से, JPEG बॉयज़ वाले, तो उनसे आपको आज मिलवाते हैं। हमने प्लान किया हुआ था, जब भी मैंने उनसे कहा था आपने लाहौर आना है, मेरे से लाजमी मिलना है, तो अब वो आ गए हैं, पास ही हैं। उनको वैसे लोकेशन का इशू हो रहा है, आपसे बातें बाद में करता हूँ। उनको लेके आते हैं, फिर आपको आज के सीन्स चेक कराते हैं। गूगल मैप्स जो है वो खबर लाजमी करता है, तो वो भी उनको देखते हैं कहाँ करके खड़े हैं, उनको रिसीव करते हैं। मान सलमान भी आ रहे हैं, turn left, then turn right. ऐसा क्या सीन है, आपको इनका मालकोट चेक कराते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है, मेरी फेवरेट फॉर्चुनर है, मज़े की बिल्ड हुई है बहुत। रेहान भाई बैरियर के उस तरफ हैं और मैं इस तरफ हूँ, अब देखते हैं हमने उनकी तरफ कैसे जाना है और क्या तरीका है। ये गूगल मैप्स बड़ा खबर करते हैं। तो जी बॉयज, हम लोग अब घूम के आए हैं, अगर से अल्लाह करे वही रोड हो जहाँ पर हमने रेहान भाई को देखा है। अब और की खबारी ना हो जाए ऐसे लंबी, देखते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, माशाल्लाह वो चेक करें जी, मालकोट खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। निकले अमान की तरफ चलते हैं, उनको पिक करते हैं ना वहाँ से, फिर बुलान तो करते हैं घर से। आ जाए पीछे पीछे आ जाए। तो जी बॉयज, हम पहुँच गए हैं अमान सलमान के घर पे, आते हैं फिर निकलते हैं। इनकी करोला भी पिक करनी है, बुलान भी पिक करना है, फिर आपको मिलते हैं वहाँ पहुँच के लोकेशन पे। तो जी बॉयज, अभी सिर्फ अमान आया है अभी सिर्फ, और सलमान अभी वहाँ से थोड़ी देर तक अपनी करोला पिक करके आएगा, और अभी हम जा रहे हैं घर जी। वहाँ से हमने V8 को निकालना है, वो भी आपको पता है फिर लाजमी है। V8 का यार तो ब्लॉग ही चल रहा है आज का, तो बड़े मज़े का सरप्राइज़ आ रहा है, तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तलाफी की काफी पराई काम नहीं जी, आप बोले थी मेरा नाम नहीं। Pills pop, I let the weed smoke. Sometimes just talking does not make the pain go. तू ही आग, तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी तू अकेली वारिस। तू ही छांव, तू ही धूप, रंगों के साथ रूप, तू जितनी खूबसूरत उससे कहीं ज्यादा दूर। मैं लिखना छोड़ दूं जो तेरे बारे। लो जी बॉयज, लोकेशन पे पहुंच गए हैं, बुलान अपना जी V8 वहाँ पे आ गया सिविक सेंटर में। इधर जी रेहान भाई का मारकोड लगने लगा है, फिर जी आपको रेहान भाई की गाड़ी का डिटेल में रिव्यू देते हैं। मान साहब ने अपना व्लॉग शुरू कर दिया। लो जी सलमान साहब भी आ गए हैं अपनी पिंक शूज के साथ, बाकी जी इसका भी अभी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। रेहान भाई हमें डिटेल बताएंगे सारी, और बाकी यह है कि इंशाल्लाह जो मेरी गाड़ी का और जी V8 का आप लोग इनके चैनल पर देखोगे रिव्यू। करने लगा मैं अपना कैमरा निकाल निकाल दें निकाल दें। बाकी अस्सलाम वालेकुम, कैसे रेहान भाई? तो जी यार आपको मारखोर ऐसे ही है ना, मारखोर माशाल्लाह यार बड़े मजे की बिल्ड है। और आपको भी, आपको पता नहीं वीडियो में इतना आइडिया नहीं होता। हाँ जो रियल में मैंने लाइव देखी है ना, ये आज इसका जो एक साइज है ओवरऑल, वो मतलब आम फॉर्च्यूनर रिवो इसके आसपास नहीं है कहीं से भी। अब सिविक का हिसाब लगा लो, सिविक कहाँ पे उसके, और बुलान तो भाई वैसे ही गेम से भी बाहर ही है। बाकी आप बताएं यार इसके एक्सटीरियर पे आपने क्या क्या काम किया है? इसके एक्सटीरियर पे ब्रो ये हैमर का फ्रंट पे बम्पर है, ये ओरिजिनल हैमर का बम्पर है। ठीक हो गया। इसमें सेंसर्स भी आते हैं वो जो, अच्छा अच्छा, इसमें क्या नाम है, ये लाइट्स आती हैं। ठीक है, यही हुक्स आते हैं। ठीक हो गया। गेज की थिकनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है ठीक है, मार्केट में जितने अवेलेबल है वो लोकल है ना। ठीक हो गया। हाँ लोकल में आपको 60,000-70,000 का मिल जाएगा, 3.5 लाख रुपए का। तो इसमें मुझे बताएं, मैंने सुना था कि इसमें वो एयरबैग्स का इसमें खुलते हैं एयरबैग्स। यार ये तो आइडिया नहीं है इतना। अच्छा, क्योंकि इसमें कहते हैं जो ओरिजिनल आता है ना उसमें सेंसर्स की जगह होती है एयरबैग्स के। क्योंकि जो फेक है ना उनमें सेंसर्स नहीं लगते, मैंने ये सुना है। अच्छा माशाल्लाह, बाकी लाइट्स भी नीचे सारी हर तरह की। ये भी आपने एडिशनल लगाया भाई, अच्छा लग रहा है। अच्छा अभी भी लगाया ये? 21 इंच का LED बार है 5 रो का, और ये बड़ी लाइट होगी इसकी तो 450-550 वोल्ट की। ओए होए होए, तो ये इसको लेके गोल था हमारा जो रॉन्ग वे आता है ना, अंधा करना अंधा करना, सही बात है। बाकी नीचे जो है इसके वो शील्ड लगी हुई है हैमर की, ये भी प्रोटेक्शन प्लेट लगी हुई है। ठीक है, ये भी एक्चुअली वर्क्स और एक्चुअली प्रोटेक्ट्स, क्योंकि एक बार मेरी गाड़ी एक डिग में गिर गई थी। अच्छा, माय मिस्टेकनली। हां तो इसे
सब चीज कुछ किसी चीज को कुछ भी नहीं हुआ, हल्का फुल्का रैप फटा है बस, सही है तो दिख रहा है नीचे, हाँ नीचे भी रैप किया हुआ आपने, वही हाँ भी रैप हुई है तो फटा हुआ है, बाकी नहीं ये जाहिर सी बात है उसका पर्पस है वो सेफ तो करता है, बाकी जितने भी ट्रिम्स हैं उनको हमने ब्लैक आउट किया हुआ है, हाँ ये फ्रंट से लोगोस वगैरह साइड की एलईडी बार लगे हुए हैं, हाँ ये लगे शूटर लाइट्स लगी हुई है, ठीक हो गया ये दो शूटर लाइट्स आ गई। अच्छा ये बड़े मजे का काम किया आपने, इसको भी वो ग्रीन कर दिया है, हाँ नहीं नहीं ये अच्छा है, वो रेड अजीब लगना था, एक सारी गाड़ी ग्रीन और पीछे के भी जितने भी ट्रिम्स हैं जी जी ब्लैक आउट किए हुए हमने, सही है। गाड़ी के ऊपर टेक रैप का जो है वो आर्मी ग्रीन रैप हुआ है, टेक रैप, हाँ ये तो बड़ा अच्छे वाला रैप है बिल्कुल। बाकी इसकी जो मेन, हाँ जी मैंने सबसे पहले जिंदगी में टेक रैप ही किया था अपनी गाड़ी पे, मेरे पास पहले भी एक फॉर्च्यूनर होती थी ओल्डर मॉडल, तो उसके बाद से एक मेरा ट्रांस डेवलप हो गया, अभी मेरी कॉर्वेट रैप होने गई हुई है वो भी टेक रैप हो रही है, वो भी टेक रैप हो रही है, ठीक है उसका कलर अभी जल्दी हम अपने चैनल पर रिव्यू, ठीक हो गया ठीक हो गया। और अच्छा मैं और मजीद आ जाऊँ एक चीज पे, इस पे 20 इंच के हार्ड रॉक के व्हील्स है, ठीक है, और ये एएमपी के ऑल ट्रेन टायर्स हैं, ऑल ट्रेन टायर्स हो गए, व्हिच लुक्स मोर लाइक अ मड ट्रेन टायर्स, ठीक है ठीक है। और मैसिव साइज है और ये साइज ही है जो मतलब पूरा लुक बना रहा है, अमेरिकन ब्रांड है दोनों, ठीक है नहीं नहीं वो हर चीज़ एक कॉम्बो है पूरा मज़ेदार। अगर अब मैं सस्पेंशन के ऊपर आ जाऊँ तो सस्पेंशन में हमारे पास आरएस रेसिंग के कॉइल ओवर वाला सस्पेंशन है फ्रंट पे, ठीक है, एडजस्टेबल है हाइट ऊपर नीचे, हाइट भी एडजस्टेबल है, उसके अलावा डैम्पिंग भी एडजस्टेबल है, ठीक है, हार्ड सॉफ्ट वाला शॉक है, ठीक है, आप दिखा सके अपनी ऑडियंस को, तो ये रिजर्वायर लगा हुआ है, इस रिजर्वायर में ये होता है कि आप डैम्पिंग एडजस्ट कर सकते हैं, हार्डनेस और सॉफ्टनेस एडजस्ट कर सकते हैं गाड़ी की, ठीक है, वो जिस तरह कॉइल ओवर्स में होता है आप एडजस्ट कर सकते हो, हाँ सही बात है, लेकिन ये एक पाइप के साथ अलग होता है, आपके पास फ्लूइड शॉक में तो है ही है, हाँ जी फ्लूइड है इसमें तो ये ज्यादा अच्छा करेगा। बाकी इसकी राइड लेके देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्च्यूनर से इसका कितना फर्क है, रियान भाई तो कहते हैं बहुत फर्क आ गया आपको, आप चलाएं आप देखें आप बताएं मुझे, मैं आपके साथ बैठता हूं, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कि आपको भी दिखाते हैं एक्सपीरियंस, हां जी हां जी। साथ में ये एक्सटेंडेड कंट्रोल आर्म डले हुए हैं, ठीक है, सामान तो इतना ज्यादा है इस गाड़ी में कि मैं अन्नेवा डाला बता बता के थक जाऊंगा ना, मतलब मैंने एक ऑल्टो के पैसे पूरा एक ऑल्टो के पैसों का सामान डाला हुआ है, ऑल्टो के पैसों का सामान डाला हुआ है इसमें, नीचे पूरा एच के एस का कैटबैक एग्जॉस्ट सिस्टम डाला हुआ है, अच्छा एच के एस का डाला हुआ है, ये बैक से आ रहा होगा, जी 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 ये पूरा ये फ्रंट टू बैक है ना, ठीक है अच्छा ये माशाल्लाह इसका कैटबैक डाला हुआ है, ठीक हो गया ठीक हो गया, जो साउंड है वो भी आपको चेक कराते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अंदर इंटीरियर में आ जाऊँ तो 70 मैटिंग कस्टम मैट्स कार्बन फाइबर स्टीयरिंग, ठीक हो गया, सराउंड साउंड सिस्टम पूरी गाड़ी साउंड डैम्प हुई हुई है, अच्छा माशाल्लाह बड़ा शौकीन हूँ माशाल्लाह। और This is how it is. बाकी एक बूस्ट गेज लगा हुआ है, बाकी बैक पे भी आपने ब्लैक आउट किया हुआ सारा, सब फुल ब्लैक आउट किया हुआ है, ठीक हो गया ठीक हो गया। लो जी बॉयज हम लोग आ गए हैं जी मार्क और के खूबसूरत इंटीरियर में, और रियान भाई बताएं इसका क्या क्या कुछ आपने कराया हुआ इंटीरियर में, इसमें ब्रो ये फोर्ज कार्बन फाइबर स्टीयरिंग व्हील है, अच्छा ये मैंने वैसे आज तक नहीं देखा, ये जो आपका वाला है ना जी, ये मैंने आपकी वीडियो देखी थी, गोल्ड टच है इसमें माशाल्लाह, गोल्ड एक्सेंट का टच है इसमें, सही है कार्बन फाइबर है, फोर्ज कार्बन फाइबर यूजुअली लैम्बोर्गिनीज और जो हाई बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है उनमें आता है, ये आपके इंटीरियर से भी मैच करा ना ओवरऑल, हाँ इसी वजह से मेरा मैं पर्टिकुलर रीजन था, गाड़ी में कस्टम मैट्स है, ठीक हो गया, मार्कोर का लोगो है, ओहो क्या बात है, गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग है, एम्बिएंट लाइटिंग वहीं पे लगी हुई है जहाँ पे कंपनी से आ रही है, ठीक है, जो आपका से आना शुरू हुई है, ठीक हो गया, उसमें जहाँ लगता है यहाँ पे आती है, यहाँ पे भी सही है सही है, और इसका ग्लो काफी अच्छा है, इवन दिन के टाइम बड़ा अच्छा, और इसका हम कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और 16 मिलियन कलर्स है जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया ठीक हो गया। और उसके अलावा तो बूस्ट गेज है हमारे पास, वो मैंने अभी डिस्कनेक्ट किया था, मुझे कुछ चीज चेक करनी थी, अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि क्या ना जब हम हाई स्पीड पे ट्रेवल कर रहे होते हैं ना तो बार बार जैसे ही 1.8 बार का ये बूस्ट इसकी लिमिट है, तो जैसे ही लिमिट आती है ना इसकी तो ये बूस्ट गेज बजना शुरू हो जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, इट वाज अनोइंग मी अ लॉट ना, सही है सही है, क्या अचानक से ओवरटेक करने के लिए पांव देते हैं वो ची 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 करता रहता है, हाँ नहीं सही है, तो मैंने आपका ग्रिप्स निकाल दी, ग्रिप्स निकाल दी है, ठीक हो गया। बाकी गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम मौजूद है, ठीक है, फ्रंट पे जो है हमारे पास एल्पाइन के क्रॉसओवर्स के साथ स्पीकर्स हैं, ठीक हो गया, पीछे हमारे पास पीछे वाले डोर्स में रॉकफोर्ड फॉसगेट के स्पीकर्स हैं, ठीक हो गया, हमारे पास एम कैनवुड का है 4 चैनल, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, कैनवुड का वूफर होता है जो कि अभी मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ, रीजन बीइंग कि मैं ट्रैवल कर रहा था, बिल्कुल ऐसी है, कमी हो रही थी, ठीक हो गया, ये है। बाकी एस सच गाड़ी 70 मैटिंग हुई हुई है, सही है, और इंटरनली मतलब स्टॉक ही है फिलहाल, बाकी फॉर्च्यूनर का वैसे इंटीरियर काफी लग्जरी होता है तो और क्या चाहिए, सही बात है।
बाकी इंशाल्लाह आपको जो भी फ्यूचर इसमें मॉडिफिकेशंस होंगी वो आपको रेहान भाई के चैनल पे मिल जाएंगी, उनका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनके चैनल को चेकआउट करो। इवन के जो सिविक है और बुलान जो है अपना V8 उसका भी रिव्यू आएगा इनके चैनल पे, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग देखना जाके। बाकी अभी इसके ड्राइव पे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है इसका। आप कह रहे हैं इसकी बड़ी मजे की सस्पेंशन हो गई है, बहुत मजे की सस्पेंशन है, आप चला के देखें। और उसके अलावा मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, अगर कोई मुझे नहीं जानता तो मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगी परमानेंटली आई हैव अ कॉर्वेट C5। ठीक हो गया, पाकिस्तान की वाहिद कन्वर्टेबल कॉर्वेट C5 है जी, जिसको अभी हम नए कलर में रैप कर रहे हैं। ठीक, और उसके अलावा भी आई हैव लॉट्स ऑफ कार्स, मर्सिडीज C63 AMG है मेरे पास, आई हैव बॉट अ JZX 110 माशाल्लाह। बेसिकली जो जिनको नहीं पता JZX 110 क्या होती है, दैट्स अ मार्क टू ग्रैंडी, वो मैं पिक्चर अटैच कर दूंगा साथ, टर्बो वाला वर्जन। हाँ, मतलब फुल परफॉर्मेंस, फुल परफॉर्मेंस, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है जिसका कंटेंट आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अभी चलते हैं इसका टेस्ट ड्राइव पे, निकलते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पांस है इसकी सस्पेंशन का। लो जी बॉयज, निकल पड़े हैं जी मार्क 4 की ड्राइव पे, और मुझे तो इनिशियली इसकी सस्पेंशन बड़े मजे की लग रही है, हालांकि अभी रोड सीधी है लेकिन एक अलग सी फील आ रही गाड़ी से। आप ब्रो बम्प्स वम्प्स में कहीं पे जाएंगे ना, आपको छोटा छोटा भी कोई बम्प आएगा आपको खुद ही मतलब मेजर डिफरेंस महसूस होगा ना। ये आगे स्पीड दे कर रहा है कि रोड ही बंद है? आई थिंक सो, रोड कर्व कर रहा है फ्रंट से। हां स्पीड ब्रेकर है, यू टर्न मिल जाएगा। क्या बात है आपको अंदाजा हुआ जो मैं आपको बोल रहा था ब्रो के? हां जी, वो V8 वाली फील्स है ना। सही बात है, इससे पहले मेरे पास दूसरा सस्पेंशन था। ठीक है, अच्छा वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ओके सस्पेंशन था, 5000 किलोमीटर मैंने उस पे गाड़ी चलाई, मेरी सेटिस्फेक्शन का लेवल अचीव नहीं हो रहा था। मुझे चाहिए था मतलब एक्सट्रीम कंफर्ट। नहीं नहीं, ये तो बहुत कंफर्ट है माशाल्लाह। तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि वी आर इंपोर्टिंग दिस प्रोडक्ट, ट्राई दिस प्रोडक्ट, और मुझे उम्मीद है यार आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। रेहान भाई स्पेशल हमारे पास आए हैं कराची से, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला बड़ा। वेलकम ब्रो, वेलकम, बाकी नाइस मीटिंग यू, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह रेहान भाई को भी खिलाई पिलाएंगे भी, अभी एक और हमने व्लॉग भी शूट करना है तो वो आपको शायद इसके बाद देखने को मिलेगा, तो अभी हम उसकी तैयारी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉमेंट्स में मुझे बताओगे आपको कैसा लगा है मार्क 4, और रेहान भाई से मिला बड़ा अच्छा लगा। बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग दिखाते हैं, वो भी शूट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट से कमिंग व्लॉग में शो होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब अपने ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, खत्म, बाय बाय, टाटा।